पार्टी भी यही थी, इस देश में बीजेपी भी यही थी, इस देश की तमाम पार्टियां चाहे वो सीपीआई सीपीएम के लिए सब लोग यही पर थे। कोई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए इस देश में तैयार नहीं था। लेकिन धन्य है माननीय साहब श्री कांशी राम जी, जिन्होंने इस देश में अम्बेडकर वाद का नारा लगाया, अम्बेडकर वाद का नारा लगाया। माननीय साहब कांशी राम जी ने इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा किया। आज इस देश में मैं क्या देखता हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो केजरीवाल जी है, अभी एक प्रोग्राम दिल्ली में किया गया, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जय भीम, आज जय भीम के नारे लगाते हैं। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चले गए, वोट के पहले चुनाव से पहले जब लगने लगा कि हाथी आ गया है, बाबा साहब अम्बेडकर की फौज आ गई है, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बाबा साहब अम्बेडकर का समारोह जब लखनऊ में मनाया था, पूरा मीडिया के अंदर बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे मूर्तियां लगा दी है, पत्थर लगा दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बना दिए हैं। आज वही आरएसएस के लोग, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेने के नाम पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक गुजरात में बनाते हैं, गुजरात में। ये है धन्य, ये है ताकत आपकी। इसलिए आज गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वोट लेना है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में पैदा होने का काम किया। आज अमेरिका के लोग जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए गए, जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करने का काम किया है, जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से लेकर के आज तक यूनिवर्सिटी का एक सर्वे किया गया कि इसमें जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से लेकर के आज तक इसमें सबसे टॉप का कौन भी जा